दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हो और आपके कंट्रोल में कुछ नहीं हो? यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप हाथ उठाना चाह रहे हैं लेकिन आप हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। आसपास क्या हो रहा है सब आपको समझ आ रहा है, आपका दिमाग उठा हुआ है लेकिन आपकी बॉडी सो रही है। बिल्कुल हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज की कहानी जो है वो स्लीप पैरालिसिस के बारे में है, यानी कि नींद प्रशाघात के बारे में है। स्वागत करता हूँ इससे और कहानी सीजन वन में। आज की जो कहानी है वो है स्लीप पैरालिसिस, और ये जो चैनल है वो है द स्टोरी कैफ़े। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दो दोस्तों की कहानी मेरे, जो मेरे पड़ोस में रहा करते थे। इन दोनों ने ऑनलाइन एक बिज़नेस खोला फैंसी चीज़ें बेचने का। फैंसी चीज़ों से मेरा मतलब है दोस्तों कि कोई मग बेच दिया जिसमें मिनियंस बने हुए हैं, या कोई मार्वल का कैरेक्टर या डीसी का कैरेक्टर बना हुआ है, सुपरमैन बैटमैन की टी शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें इन्होंने बेचनी शुरू की थी ऑनलाइन। और भगवान की दया से इनका जो काम है बहुत अच्छा चलने लगा था। ये जो मेरे दो पड़ोसी हैं वो है जतिन और मयंक। जतिन और मयंक रूम लेके मेरे पास वाले फ्लैट में ही रहते थे, और जबकि काम बढ़ने लगा तो इनको एक नए गोडाउन लेने की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली मथुरा हाईवे पे एक छोटा सा घर ले लिया जो एक मंजिल का बना हुआ था और थोड़ा सस्ते में मिल गया था इन लोगों को। नीचे दो कमरे थे, एक ये गोडाउन की तरह यूज़ कर सकते थे और दूसरा अपना ऑफिस बनाने वाले थे। एक दिन जब जतिन से मेरी बात हुई तो जतिन ने मुझे बताया कि इन्होंने वो गोडाउन ले लिया है, लेकिन मयंक थोड़ा परेशान है उस गोडाउन को लेके। तो मेरी बातचीत होने लगी और फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि अभी तो लिया है तुम लोगों ने और अभी चेंज करने की बात क्यों कर रहे हो। अब जतिन ने मुझे बताया कि ऐसा हादसा जो मयंक के साथ हुआ था उस कमरे में, उन्होंने बल्क में माल ऑर्डर किया सेलर से और सेलर ने ट्रक से वो माल इनके यहाँ छुड़वा दिया। ट्रक आ गया दोस्तों सुबह सुबह 11-12 बजे के आसपास। जतिन, मयंक और दो लेबर उसने और बुलवा लिए थे पास के गाँव से, जिनको वो दिन की दिहाड़ी के हिसाब से कुछ पैसे देने वाले थे। तो उन दोनों मजदूरों ने और मयंक जतिन ने मिलके, और एक ड्राइवर भी था जो उस ट्रक में आया था और एक हेल्पर था, यानी कि टोटल 6 लोग थे जिन्होंने पूरा सामान उतरवाया इनका और उस गोडाउन में शिफ्ट कर दिया। पैसे वैसे लिए इन्होंने, और जतिन दिल का बहुत अच्छा है दोस्तों, तो उसने सबको लंच भी करवाया और फिर जिसके जितने बनते थे पैसे दिए और भेज दिया। ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ दोस्तों, क्योंकि इसके बाद बहुत काम होता है जब आप इन्वेंट्री संभाल रहे होते हो, तो इन्वेंट्री को लिखना और कि कोई चीज़ मिसप्लेस ना हो जाए या फिर किसी चीज़ का हिसाब ना रह जाए, इसलिए इन्वेंट्री को लिखना, उसको सॉर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें आपकी एक जिम्मेदारी बन जाता है। तो उस दिन उनको सब कुछ ख़त्म करना था, क्योंकि वैसे ही अनलोडिंग और लोडिंग करते करते उनको 2:30 के आसपास बज गए थे लंच करने के बाद। तो काम जल्दी ख़त्म करना था, प्रेशर भी था और दोनों बहुत गंदी तरह थक गए थे, क्योंकि लेबरों के साथ उन्होंने भी हेल्प की थी, काफ़ी सारा सामान था दोस्तों। अब समझ रहे हो ऑनलाइन पे अच्छा काम चलने लगा है और उनको गोडाउन लेने की ज़रूरत पड़ी है, तो सामान की डिलीवरी आना जायज़ है। अब जिस भी ऑनलाइन कंपनी से इन्होंने टाई अप किया था वो डायरेक्ट उनके वेयर हाउस पे चला जाएगा, उनको पैकेज दे देंगे एंट्री करवा के और वो पैकेज कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा, है ना, कितना आसान तरीका। इन्होंने काम ख़त्म किया, सॉर्टिंग की, लेबलिंग करके पैकेज को तैयार किया, और जो भी उस दिन के ऑर्डर आए हुए थे उनको पैक किया अच्छे से जैसे कस्टमर तक वो डिलीवरी के लिए तैयार हो। ये सब करते करते दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया और पता ही नहीं चला कि कब रात के 9 बज गए हैं। इन्होंने डिनर ऑर्डर करा तो एक डिलीवरी पार्टनर आके इनको खाना दे के गया। खाना खाने के बाद दोस्तों जतिन वहाँ से निकलने वाला था और मयंक उस रात वहाँ रुकने वाला था, क्योंकि जतिन को एयरपोर्ट जाना था अपने सिस्टर को पिक करने के लिए। उसकी बहन बैंगलोर से वापस आ रही थी और जतिन के पास गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है कैब पे पैसे खर्च क्यों करना, जतिन जाके पिक करके उसे घर छोड़ के आ जाता। तो शायद उसे पिक करने के बाद जतिन अपने घर पे रुकने वाला था आज, और मयंक उस वेयर हाउस में अकेला रहने वाला था। तो 9:30 बजे के आसपास जतिन उठा और उसने मयंक को बोला कि चल भाई मैं चलता हूँ अब, तू ध्यान रख इसका और कुछ हो तो मुझे फ़ोन कर दियो, ठीक है, और फ़ोन अपना चार्ज पे लगा ले, तेरा फ़ोन चार्ज पे नहीं था। तो मयंक ने कहा हाँ ठीक है, तू निकल जा, मैं हूँ यहाँ पे, कुछ होगा तो मैं फ़ोन करता हूँ। इतनी ही बात हुई और जतिन अपनी गाड़ी लेके वहां से निकल गया एयरपोर्ट दीदी को लाने। मयंक ने सारी लेबलिंग को दोबारा चेक किया एक बार और अपने कंप्यूटर पे एंट्री करने के बाद एक बार सब कुछ मिला लिया ताकि कुछ छूट ना गया हो। मान लीजिए कुछ 10 बज रहे होंगे। जो दूसरा कमरा था उन्होंने जिसको ऑफिस बनाया था उसमें 2-3 गद्दे भी रख लिए थे ताकि ऐसे ही मौकों के लिए किसी को रुकना पड़ जाए या फिर दोपहर को किसी को आराम करने की ज़रूरत हो तो वो गद्दा बिछा के वहाँ पे गोडाउन में सो सकता है।
अपने वेयर हाउस में सो सकते। मयंक ने बिस्तर लगा लिया और थोड़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने के बाद, मयंक को धीरे धीरे नींद आने लगी। जो हॉल था घर का, वो हॉल नहीं था दोस्तों, एक्चुअली जो मेन गेट था उसे खोलो तो थोड़ी सी जगह थी, शायद उन्होंने गाड़ी पार्किंग करने के पर्पज से बनाई होगी उस जगह को। और उस कॉरिडोर में दो कमरे थे, दाहिने और बाएं हाथ पे। बाएं वाले हाथ पे जो कमरा था उसको उन्होंने गोडाउन बना दिया था, और दाहिने हाथ पे उन्होंने उसको ऑफिस बनाया था। और बाएं हाथ पे जो गोडाउन था उसी के साथ वॉशरूम भी था और एक किचन भी था। किचन की खैर उनको जरूरत थी नहीं, पर हाँ कभी चाय वगैरह बनानी पड़ जाए तो ये प्लानिंग करके उन्होंने किचन के साथ लिया था ये वेयर हाउस। तो बाहर जो खाली एरिया था जहाँ पे गाड़ी पार्किंग के पर्पज से बनाया गया था, उसकी लाइट मयंक ने खुली छोड़ दी। वेयर हाउस वाले कमरे की, गोडाउन वाले कमरे की लाइट जो है मयंक ने बंद कर दी, गद्दा बिछा और उसने दरवाज़ा इस तरह बंद किया कि दरवाज़ा ज़रा सा खुला रह गया, जिससे कि वो जो बाहर की जो लाइट थी वो हल्की सी अंदर आ रही थी। मयंक ने फेसबुक व्हाट्सएप चलाया और जब वो उसकी आँख लगी तो कुछ 11:30 के आसपास बज रहे थे। मयंक सो गया, लेकिन अचानक मयंक को कुछ हलचल सुनाई दी। मयंक ने आंखें खोली लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं था। वो आवाज़, वो हलचल फिर से हुई। मयंक ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और दरवाजे की तरफ देखा, और देख के उसकी हालत खराब हो गई दोस्तों। एक विशाल मकड़ी, जी हाँ एक विशाल मकड़ी, जो दरवाजे से अपने हाथ पांव निकाल रही थी, दरवाजे के ऊपर आते ही दीवार पे चिपक गई। दोस्तों वो आम मकड़ी नहीं थी, वो उस मकड़ी का साइज नॉर्मल मकड़ी से 10 गुना ज्यादा था। ये देख के मयंक की आंखें फटी की फटी रह गई, वो डर गया अंदर से। उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, वो उठकर भागना चाहता था लेकिन मानो किसी ने उसके हाथ पांव को जकड़ लिया हो। वो मुंह से कुछ बोलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था ताकि आसपास कोई अगर सुने तो उसकी मदद के लिए आए, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखें खुली थी और वो रो रहा था। डर के मारे शायद उसका रोना निकल गया और वो रोने लगा। वो मकड़ी धीरे धीरे दीवार से होते हुए उसके सर के जस्ट ऊपर आ गई। वो आंखों से खोल के उस मकड़ी को देख रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया था। वो रोना चाह रहा था लेकिन वो रो नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह नहीं खुल रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दीवार पे लगी मकड़ी अचानक उसके ऊपर झपकी और मयंक ने आंख बंद कर ली, और फिर वो हलचल की आवाज बंद हो गई और थोड़ा सन्नाटा हो गया। मयंक ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, अपनी आंखें खोली और देखा उस रूम में कोई नहीं है। वो मकड़ी, जो विशाल मकड़ी उसके ऊपर झपटी थी, वो गायब हो चुकी है। उसने दरवाजे की तरफ देखा, हल्की सी लाइट अंदर आ रही थी, हल्की सी आवाज आई गाड़ी रुकने की, गाड़ी जैसे ब्रेक लगाओ और रुकती है वैसा शोर आया। जतिन ने दरवाजा खोला और देखा कि मयंक पसीने से तरबतर हो रखा है। उसने तुरंत लाइट जलाई, मयंक को हिलाया और उठाया, उसके मुंह पे पानी मारा और उसको उठाया। मयंक ने उसे कस के पकड़ लिया, मयंक ने जतिन को कस के पकड़ लिया और खूब जोर जोर से रोने लगा और पूरा वाक्य उसने बताया। तो दोनों को काफी डर लगा कि एक ऐसी विशाल मकड़ी वहां रहती है। जतिन ने इन चीजों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया, तुरंत एक डॉक्टर को कंसल्ट किया और अगले ही दिन मयंक को सुबह उस डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में डिटेल्स दी। उसने कहा ये एक नेचुरल फिनोमिना है जहाँ आपका दिमाग जगा रहता है लेकिन आपकी बॉडी सोई रहती है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मयंक को कुछ दवाइयाँ दे दी उन्होंने, तो अगले हफ्ते वो गोडाउन में गया ही नहीं, गोडाउन में भी नहीं गया और रात को वहाँ पे कोई रुकता भी नहीं था, क्योंकि डर बैठ गया था जतिन मयंक दोनों के दिमाग में। तो मयंक ने एक दिन बातों बातों में उससे पूछा कि तू उस रात वापस क्यों आया। तो जतिन ने उस दिन बताया कि बहन को घर छोड़ने के बाद उसे लगा कि अभी भी बहुत काम बचा है और तू शायद अकेले उसे पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने गाड़ी उठाई और मैं वापस आ गया तुझे देखने के लिए कि तुझे अगर किसी मदद की ज़रूरत है तो मैं कर दूंगा, एक से भले दो और सारा काम जल्दी हो जाता। मयंक ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उस दिन अगर जतिन टाइम पर नहीं पहुंचा होता तो ना जाने क्या होता, शायद उसे पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था दोस्तों। वो तो शुक्र की बात है दोस्तों कि जतिन के दिमाग में वापस जाने की बात आई और मयंक को मदद मिली। खैर अभी सब कुछ नॉर्मल है उनकी ज़िंदगी में, उनका ऑनलाइन का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों भगवान की दया से। और हाँ, लेकिन अभी भी वो लोग रात को रुकते नहीं है वहाँ पे, गोडाउन में माल लोड अनलोड करके 7 बजे तक उस गोडाउन को बंद कर देते हैं और दोनों घर वापस आ जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी।
अगर आपकी भी कोई ऐसी राय है स्लीप पैरालिसिस को लेकर, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर करें अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो। अब अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा मैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तक इजाजत लूंगा। दोस्तों ध्यान रखिए और स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजों को नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर या फिर बड़े बुजुर्ग जो घर पे उनसे कंसल्ट करें और तभी एक कोई कंक्लूजन पे पहुंचे। तब तक के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।